नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एलईडी बल्ब बनाने का बड़ा आसान तरीका बताएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक एलईडी बल्ब है। ये एलईडी बल्ब 7 वाट का है, लेकिन अभी इस वक्त ये एलईडी बल्ब खराब है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिना कोई भी पार्ट्स बदले एलईडी बल्ब बनाने का तरीका बताएंगे। तो पूरा देखिए मेरे इस वीडियो को, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस एलईडी बल्ब को। तो सबसे पहले हम ये एलईडी बल्ब खराब है या नहीं इसको चेक करेंगे। तो हम इस तरह का एक बोर्ड लेंगे जिसमें होल्डर लगा हुआ हो और एक स्विच हो। आप चाहे तो सिर्फ होल्डर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इस वक्त ये बोर्ड है, तो हम इस बोर्ड के जरिए इस एलईडी बल्ब को चेक करेंगे। तो हम एलईडी बल्ब को लेंगे और होल्डर में लगाकर इस बल्ब को चेक करेंगे। तो देखिए ये एलईडी बल्ब नहीं जला। अब हम क्या करेंगे, इस एलईडी के ऊपर वाले कैप को हम खोलेंगे। अब एलईडी बल्ब तो जल नहीं रही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एलईडी बल्ब में कोई पार्ट्स खराब है जिस कारण से ये एलईडी बल्ब जल नहीं रहा है। जब इस एलईडी बल्ब को 220 पावर सप्लाई दिया जाता है, इसके अंदर एक ड्राइवर लगी है। उस ड्राइवर के जरिए 90 से लेकर 110 वोल्ट कन्वर्ट करके आउटपुट देता है, तब जाके ये एसएमडी प्लेट जलती है। इस एसएमडी प्लेट को अगर हम डायरेक्ट जलाएं तो ये एसएमडी एलईडी खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर लगी ड्राइवर आउटपुट 110 वोल्ट देता है 220 वोल्ट लेकर। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि एसएमडी प्लेट खराब है कि इसके अंदर ड्राइवर खराब है? तो इसके लिए हमें एक मीटर लेना पड़ेगा, मल्टीमीटर। तो इसका आउटपुट 110 वोल्ट है, तो हम क्या करेंगे, डीसी 200 वोल्ट में इस मीटर को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें 2 वायर लगी हुई है, एक ब्लैक एक सफेद। तो आउटपुट 90 से लेकर 110 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होकर मिलता है। तो हम ब्लैक वायर को माइनस समझ लेते हैं, व्हाइट वायर को प्लस समझ लेते हैं। तो इस वायर में हम ड्राइवर आउटपुट के वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मीटर के प्रोब लेंगे और माइनस प्लस के अनुसार इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मीटर में देखिए दोस्तों, मीटर में 108 या 109 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो ड्राइवर है वो सही है, इस एसएमडी प्लेट में कहीं ना कहीं खराबी है। अब इस एसएमडी एलईडी प्लेट को हम लगी हुई एलईडी को चेक करेंगे। तो जब भी ये एसएमडी एलईडी प्लेट खराब होती है, तो ये सब एलईडी नहीं खराब होती है, इसमें से कोई एक ही एलईडी खराब होती है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन सी एलईडी खराब है? इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। इस तरह का एक वायर का टुकड़ा लेंगे, उसके बाद प्रत्येक एलईडी के दोनों किनारे में, यानी कि इस तरफ और इस तरफ, इस वायर के टुकड़े को हम लगाकर शॉर्ट करेंगे प्रत्येक एलईडी को। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रत्येक एलईडी के वायर के दोनों किनारे में शॉर्ट किया इस वायर के टुकड़े से, तो ये एलईडी जल चुकी है। तो इस वाले एलईडी में शॉर्ट करने पर ये एलईडी बल्ब जल रही है। तो इसका मतलब ये एक एलईडी खराब है। अब रही बात, हमारे पास एक भी एलईडी पीस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर भी हम इस एलईडी बल्ब को बनाकर आपको दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो एलईडी खराब है, इस एलईडी को हम यहां से निकाल देंगे। तो निकालने के लिए हम इस चिमटे का प्रयोग करेंगे। इस एलईडी को हम इस तरह से तोड़ देंगे।
उसके बाद हम इस एलईडी की जगह में सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारे पास एक भी एलईडी पीस नहीं था, इस कारण से हमने इस एलईडी की जगह पर सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट कर दिया है। अब हम इस एलईडी बल्ब को फिर से जलाकर देखते हैं, ये एलईडी बल्ब जलता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये एलईडी बल्ब जल चुकी है। तो हमारे पास एक भी एलईडी पीस नहीं होने के कारण हमने इस एलईडी की जगह सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट कर दिया। तो ये हमारी एलईडी बल्ब अब तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास एलईडी बल्ब ना हो तो हम इस तरह से शॉर्ट करके एक एलईडी बल्ब को तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।